नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। बिहार में 1 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, सीएम नीतीश ने किया बड़ा ऐलान। 26 मई को काला दिवस मनाएगी जाप, पप्पू यादव को जेल से रिहा करने की मांग। बंद करे डरना, कोरोना की तीसरी लहर के बच्चों पर असर पड़ने के नहीं मिले हैं संकेत, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने किया दावा। सरकारी स्कूल के बच्चों को बड़ा तोहफा दे सकती है नीतीश सरकार, ऑनलाइन क्लासेस के लिए टैब या स्मार्टफोन देने पर विचार। बिहार में भी दिखेगा यास का असर, तेज बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया ब्लू अलर्ट। बिहार के मंत्रियों को नीतीश का फरमान, घर से बाहर नहीं निकले, क्षेत्र या प्रभार के जिले में भी जाने पर रोक। भारत नेपाल सीमा पर बढ़ी गतिविधि, एसएसबी ने नो मैंस लैंड में नेपाल को बिजली पोल लगाने से रोका। सिर पर सामान लेकर पैदल अपने घरों की तरफ निकले प्रवासी मजदूर, कोरोना संक्रमित भी भीड़ में ही चले साथ। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होगी बिहार पुलिस, ड्रोन और ऑटोमेटिक हथियार खरीदेगा विभाग। बिहार में प्रोन्नति बंद रहने से सचिवालय के 60% पद खाली, नियोजन से चलाया जा रहा है काम। बिहार में कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना को मद्देनजर लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है। सीएम ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। गौरतलब हो कि बिहार में लॉकडाउन की अवधि में संक्रमण दर में काफी कमी आई है, नए पॉजिटिव केस काफी कम मिल रहे हैं, जबकि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग के बाद प्रदेश में लॉकडाउन को 1 जून तक बढ़ा दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा है और कोरोना संक्रमण में कमी दिख रही है, अतः बिहार में 25 मई के आगे एक सप्ताह के लिए अर्थात 1 जून 2021 तक लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 मई 2021 से 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। आज फिर से सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की गई, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। सोमवार को जन अधिकार पार्टी के केंद्रीय कोर कमेटी की बैठक जाप कार्यालय में हुई। पूर्व मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखलाक अहमद की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई फैसले लिए गए। जाप के प्रदेश अध्यक्ष रघुवेंद्र कुशवाहा ने बताया कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की रिहाई के लिए एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल राजनीतिक पार्टी के अध्यक्षों से मिलेगा। कल बेड़ी और हथकड़ी के साथ प्रदर्शन होगा। संयुक्त किसान संघर्ष समिति द्वारा घोषित आगामी 26 मई को काला दिवस को जन अधिकार पार्टी पूरे बिहार में सक्रिय रूप से बनाएगी। इस कार्यक्रम में पार्टी के सभी साथी अपने बांह में काली पट्टी बांधकर दूसरे लोगों को भी बांह पर काली पट्टी बांधेंगे। जन अधिकार युवा एवं छात्र परिषद के साथियों द्वारा 27 मई को बिहार के सभी जिलों में श्री यादव की रिहाई हेतु अर्धनग्न प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष रघुवेंद्र कुशवाहा ने बताया कि राज्य में कोरोना से मरने वालों की वास्तविक संख्या और बिहार सरकार द्वारा जारी आंकड़ा में काफी अंतर है, जिसकी जांच पार्टी जमीनी स्तर पर करके पीड़ितों को मुआवजा दिलाने हेतु संघर्ष करेगी। पहले से चल रहे कुछ कार्यक्रमों को अब प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर चलाया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों के लिए राहत वाली खबर आई है। विशेषज्ञों ने कहा है कि लोग डरना बंद करें, ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि कोरोना की तीसरी लहर का बच्चों पर बहुत गंभीर असर पड़ने जा रहा है। वैसे अब तक यही कहा जा रहा था कि कोरोना की तीसरी लहर से बच्चे ही सबसे ज्यादा नुकसान में रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें मौजूद एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर आ चुकी है, इसमें बच्चों के कोरोना से संक्रमित होने के बहुत कम मामले आए हैं, लिहाजा फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि कोरोना की तीसरी लहर से बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। उधर बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टरों के एसोसिएशन यानी पेडियाट्रिक्स एसोसिएशन ने भी कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ने की बात फैक्ट पर आधारित नहीं है। लोगों को सतर्क रहना और ब्लैक फंगस का इलाज करना चुनौती है।
कोरोना काल में बंद स्कूलों के बीच सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है। अब नीतीश सरकार इनकी परेशानी खत्म करने की तैयारी में है। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को डिजिटल डिवाइस मिल सकती है। इसको लेकर राज्य सरकार का शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। बिहार सरकार ने पिछले ही सप्ताह केंद्रीय शिक्षा मंत्री के समक्ष पुरजोर ढंग से वर्तमान दौर में सरकारी स्कूल के बच्चों को निरंतर प्रगति और उनकी पढ़ाई के लिए डिजिटल डिवाइस की जरूरत को रखा था। साथ ही समग्र शिक्षा योजना के तहत डिजिटल डिवाइस को शामिल करते हुए इसके लिए राशि का प्रावधान करने की भी मांग रखी थी। अब स्कूली बच्चों को डिजिटल डिवाइस देने को लेकर खर्च का आकलन होगा। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में बिहार सरकार द्वारा 2021-22 को लेकर रखे जाने वाले बजट में इसे शामिल किया जाएगा। केंद्र की मंजूरी पर ही इस प्लान को जमीन पर उतारना निर्भर है। मंजूरी मिली तो इस मद से राशि के अनुसार मौजूदा सत्र में ही बच्चों को डिवाइस दिए जा सकते हैं। गौरतलब हो कि कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर के कारण स्कूली बच्चों की पढ़ाई पिछले 2 सालों से बाधित है। दूरदर्शन और अन्य ई प्लेटफॉर्म के जरिए पढ़ाई का निरंतर बनाने की पहल जरूर की गई, लेकिन साधन मसलन फोन टैबलेट या लैपटॉप की सुविधा नहीं रहने से बहुत कम फीसदी नामांकित बच्चे ही इसका लाभ उठा पा रहे हैं। चक्रवाती तूफान यास का असर बिहार में भी देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ रहा यास तूफान पश्चिम बंगाल और ओडिशा के पास पहुंच जाएगा। इसका प्रभाव 25 मई को बिहार में भी दिखेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आंधी के साथ तेज बारिश होगी। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 5 से 11 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने इसके लिए बिहार के सभी हिस्सों में अलर्ट जारी किया है। फिलहाल बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में चक्रवाती हवा सक्रिय है। पंजाब से होते हुए बिहार के पूर्वी हिस्से, झारखंड, असम और मध्य प्रदेश तक ट्रफ रेखा जा रही है। बिहार सरकार ने अपने मंत्रियों को नया फरमान जारी कर दिया है। सूबे में जारी लॉकडाउन के दौरान उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने का निर्देश दिया गया है। नीतीश सरकार ने अपने मंत्रियों के क्षेत्र में निकलने या फिर प्रभार जिलों में जाने पर रोक लगा दिया है। मंत्रियों को खास तौर पर हिदायत दी गई है कि वे भ्रमण नहीं करें। रविवार की शाम बिहार के कैबिनेट सचिवालय विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। इस विभाग के मंत्री खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। हालांकि आदेश विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की ओर से निकाला गया है। संजय कुमार ने सभी मंत्रियों से आप्त सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि वे अपने मंत्रियों को कहे कि भ्रमण के लिए नहीं निकले। कैबिनेट सचिवालय विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बिहार में अभी लॉकडाउन लागू है। लोगों के बाहर निकलने पर रोक है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दूसरे वाहनों के चलने पर भी रोक है। लेकिन इस बीच खबर मिल रही है कि मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र और प्रभार वाले जिले में भी घूमकर योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। लॉकडाउन में अगर मंत्री भ्रमण करेंगे तो आम जनता में गलत मैसेज जाएगा और आम जनता द्वारा प्रतिबंधों का अनुपालन दृढ़ता से किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लिहाजा मंत्री भ्रमण करने के लिए नहीं निकले। नेपाल में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच भारत नेपाल सीमा पर एक बार फिर से गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारत नेपाल सीमा पर नो मैंस लैंड में नेपाल की तरफ से बिजली का पोल लगाया जा रहा था, जिस काम को एसएसबी ने रोक दिया है। इंडो नेपाल सीमा पिलर संख्या 223 से लेकर 222 तक नेपाल के बिजली विभाग द्वारा शांति वन के बगल में तिलियोगा नदी के किनारे नया बिजली का पोल लगाने का काम किया जा रहा था। इसकी सूचना एसएसबी को मिली। एसएसबी जवानों ने मौके पर पहुंचकर तत्काल काम करने से रोक दिया है। जानकारी के अनुसार नेपाल के बिजली विभाग द्वारा नो मैंस लैंड पर पहले ही बिजली का 3 पोल लगाया गया है और 3 पोल का नक्शा बनाकर मिट्टी खनन किया जा रहा था। रविवार को कस्टम के एक अधिकारी ने देखा कि एक भी मिसिंग पिलर नहीं है। इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 गज भूमि पर नेपाल बिजली विभाग द्वारा लाइन बिछाने के लिए नया पोल गलत तरीके से लगाया जा रहा है। उन्होंने इसकी जानकारी एसएसबी के मेजर राजेश कुमार को दी। इसके बाद एसएसबी के मेजर इसकी जानकारी कुनौली कैंप के इंचार्ज इंस्पेक्टर रंजीत नायक को देते हुए घटना स्थल पर पहुंचकर काम रोकने को निर्देश दिया। इंस्पेक्टर राजेश नायक ने मौके पर पहुंचकर तत्काल काम को रोक दिया। पिंक सिटी जयपुर से सिल्क सिटी भागलपुर तक का सफर कामगारों के लिए आसान लगा, पर सवारी गाड़ी के अभाव में बच्चे, पत्नी व अन्य सगे संबंधियों के साथ कामगारों को प्लेटफॉर्म पर अपने अपने गांव की ओर लौटना पहाड़ तोड़ने जैसा लग रहा था। दरअसल एक साथ 300 से अधिक संख्या में भागलपुर पहुंचे कामगारों को घर जाने में काफी दिक्कत हुई। गाड़ियों की कमी के कारण ऑटो वालों ने मनमाना पैसे वसूले। इस कारण परेशान लोगों ने
पैदल ही चलना उचित समझा। खास बात यह है कि जो जांच में पॉजिटिव भी पाए गए हैं वे भी पैदल गए। जयपुर से भागलपुर पहुंचे सैकड़ों की संख्या में मजदूरों को सवारी गाड़ी नहीं मिलने के कारण लोहिया पुल पर घंटों इंतजार करना पड़ा। दरअसल उन्हें बांका के समुखिया, बौसी, गोड्डा, बाराहाट, कटोरिया जाना था। कई कामगार अपने बच्चे व पत्नी को सड़क किनारे खड़े होने से बेहतर घर की ओर निकलना समझा। समुखिया के राजेंद्र लोहिया ने बताया कि जयपुर व आसपास के क्षेत्र में काम मिलना बंद हो गया था, यहाँ खाना खाने के लिए पैसे नहीं बच रहा था। ऐसे में कुछ पैसे बचाकर घर आना जरूरी समझा। वहाँ पर वो लोग ईंट की सफाई का काम करते थे। बिहार पुलिस को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए जल्द ही कई तरह के आधुनिक उपकरणों की खरीद होगी। इसमें 10 ड्रोन से लेकर सैकड़ों की संख्या में ऑटोमेटिक व सेमी ऑटोमेटिक हथियार होंगे। इसके अलावा इस बार पुलिस विभाग कई तरह के अत्याधुनिक ट्रेनी उपकरणों को भी खरीद करेगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार उपकरणों की परंपरागत खरीद के लिए जिलों तथा पुलिस विभाग के अन्य इकाइयों की अनुशंसा आ गई है। अब जल्द ही पुलिस मुख्यालय में क्रय समिति की बैठक होगी। क्रय समिति के निर्णय के बाद ही पुलिस विभाग खरीद के लिए निविदा जारी करेगी। गौरतलब हो कि कोरोना के कारण लॉकडाउन के बाद कई बार प्रस्तावित क्रय समिति की बैठक नहीं हो पाई। इस बार अब जून के पहले या दूसरे सप्ताह तक बैठक प्रस्तावित की गई है। राज्य सरकार के स्तर से सरकारी कर्मियों की प्रोन्नति पर लगी रोक नहीं हटाने से सचिवालय में बड़ी संख्या में पद खाली होते जा रहे हैं। वर्ष 2018 से ही यह बंद पड़ा है। बिहार सचिवालय सेवा के प्रोन्नति से भरे जाने वाले 60% से ज्यादा पद खाली हो चुके हैं। प्रोन्नति से भरे जाने वाले प्रशाखा पदाधिकारी से संयुक्त सचिव स्तर के कई पोस्ट पूरी तरह से खाली हो गए हैं। शाखा पदाधिकारी के 1040 स्वीकृत पद में 599 खाली हैं, महज 441 पद ही भरे हैं। इस तरह से अगर सहायक से संयुक्त सचिव स्तर के खाली पड़े पदों को देखें तो 5443 स्वीकृत पदों में 3373 पद खाली हैं, यानी 60% से ज़्यादा पद खाली हैं। इनमें महज 2060 पद ही भरे हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में पदों के खाली रहने के कारण सचिवालय के कई विभागों में अहम कार्य बाधित हो रहे हैं। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।